स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन 2013 में नीट एग्जाम में पूछा गया था, जो कि है चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से। वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। द वेक्टर पैरेलल टू ए इज, हमको पता करना है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है। ए डॉट ए क्रॉस जो बी क्रॉस सी होगा स्टूडेंट, ये क्या रहेगा? ये रहेगा ए डॉट सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इनटू बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इनटू सी। हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन वेक्टर का प्रोडक्ट यही होता है। तो यहाँ पे दिया गया है ए डॉट सी कितना है, ए डॉट सी है 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 इनटू बी वेक्टर बी माइनस ये क्या है ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना है ये भी 0 है इनटू वेक्टर सी, इसका मतलब ये 0 वेक्टर है। तो इससे हमको क्या पता चलता है स्टूडेंट, कर्ल होता है दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट, ये बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और ए एक वेक्टर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब 0 वेक्टर होता है तो क्या होता है, इससे पता चलता है कि ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच जो एंगल है स्टूडेंट वो कितना है, 0 डिग्री है, इसीलिए ये दोनों पैरेलल है स्टूडेंट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सो ए और बी क्रॉस सी ये दोनों पैरेलल है। तो ये पूछा जाता है द वेक्टर पैरेलल टू ए, तो कौन पैरेलल है, बी क्रॉस सी वेक्टर पैरेलल है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही रहेगा स्टूडेंट्स।